टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी और अभिनेता सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के लिंकअप की खबरें मीडिया में आग की तरफ फैल चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले ही दोनों एक सीक्रेट डिनर पर भी स्पॉट किए गए थे। इस दौरान पलक पैपराची को देखकर अपना चेहरा छिपाती हुई दिखाई दी थी, जिससे दोनों की डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल गई। हालांकि इससे पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। हाल ही में इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो पलक तिवारी प्रोफेशनल काम के चलते ही इब्राहिम अली खान से मिलने पहुंची थी। पलक और इब्राहिम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। जी हां, इंटरव्यू में एक सूत्र ने खुलासा किया है कि पलक और इब्राहिम अच्छे दोस्त हैं। इब्राहिम फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर पलक कुछ फिल्मों में काम करना चाहती है। दोनों के कॉमन दोस्त हैं और इसी वजह से दोनों की मुलाकात हुई। सूत्र ने यह जानकारी दी कि हार्दिक संधू के गाने बिजली बिजली में काम करने के बाद पलक तिवारी को अब तक कई ऑफर्स मिल चुके हैं। जी हां, 21 जनवरी 2022 की रात थी जब इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी को मुंबई के एक प्रसिद्ध फूड जॉइंट से बाहर निकलते हुए देखा गया था। पहले उन्हें एक ही जगह पर अलग अलग स्पॉट किया गया, लेकिन नेटिजन्स को आश्चर्य हुआ कि क्या वे साथ में डिनर डेट पर गए थे। बाद में सेलेब किड्स को एक ही कार में बैठे देखा गया, जिस दौरान इब्राहिम ने एक भूरे रंग की जैकेट के साथ काले रंग की टी शर्ट पहनी थी। वहीं पलक को एक नीले रंग के ब्रालेट डिजाइन के साथ नारंगी रंग के टॉप पहने देखा गया था। जैसे ही उन्हें मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया, पलक ने अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि उनके बगल में बैठे इब्राहिम शर्मा रहे थे। अब गर्लफ्रेंड की बात करें तो पलक तिवारी जल्द ही अरबाज खान और तनिषा मुखर्जी स्टारर फिल्म रोजी में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। ये फिल्म 2021 बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन अभी तक ये रिलीज नहीं हो पाई है। वहीं रिपोर्ट की माने तो इब्राहिम अली खान जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज के जरिए इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे। तो क्या कहना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।